आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। महेश्वर, वर्तमान में शिक्षा व्यवसाय बनकर रह गई, वहीं शिक्षक भी पेशेवर से हो गए, लेकिन ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व शिक्षा के नाम समर्पित कर दिया। ऐसे ही शिक्षक के रूप में पहचान बनाने वाले शिक्षक हैं ग्राम मोहना के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक गजानंद हिरवे, जिनके रिटायर होने पर ऐतिहासिक और अनूठे अंदाज में समाज जनों ने स्वागत यात्रा निकाली। खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के ग्राम करौली में जन्मे गरीब दलित परिवार के गजानंद हिरवे ने मेहनत मजदूरी करके न केवल अपने स्वयं की शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दी, बल्कि अपने परिवार के मुखिया होने का दायित्व निभाते हुए छोटे भाई सुखदेव हिरवे बहनों की शिक्षा भी पूरी करवाई और शिक्षा विभाग में ही शिक्षक के पद पर कार्यरत रहकर दोनों भाइयों ने न केवल घर परिवार को शिक्षित किया, बल्कि समाज और एक शिक्षित राष्ट्र निर्माण में अपने जीवन काल में क्षेत्र के लाखों बच्चों को शिक्षा देकर उनका जीवन सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप शिक्षक गजानंद हिरवे के रिटायर होने पर समाज जनों के साथ शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने स्वागत यात्रा में शामिल होकर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वागत यात्रा का शुभारंभ माध्यमिक विद्यालय मोहना से प्रारंभ होकर महेश्वर भवानी माता चौक पर मां भवानी के दर्शन और पूजन के बाद सहस्त्रधारा रोड पर स्थित भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यात्रा कार्यक्रम स्थल गजानन हिरवे शिक्षक के घर पहुंची, जहां पर सभी सम्मानित शिक्षक अधिकारी कर्मचारी और समाजजनों के साथ ओल्ड पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिनमें कराओं के साउंड पर सुंदर गीतों की प्रस्तुति मुकेश हिरवे, माही बर्मन, कपिल बर्मन, मनीष वासुरे ने सुंदर गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं शिक्षक अंबाराम भालेकर ने कृष्ण कन्हैया के रूप में अचानक मुरली की धुन सुनाई। कार्यक्रम में सभी ने एक साथ मिलकर सुंदर गीतों की प्रस्तुति सुनते हुए स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त भी उठाते हुए भोजन किया। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं संचालन समाज सेवी दिनेश शाहनी और शिक्षक किशोर गाड़गे ने की। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए खरगोन से अमर वर्मा की रिपोर्ट। भाई बंधु और माता बहने पधारी, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इसी भावना के साथ कि सबके हृदय में संवेदना की दाह हो, तुम्हें हमारी और हमें तुम्हारी चाह हो। हमारे समाज के गुरुदेव मकवाने साहब का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और काकरे जी पधारे, भालसेन जी पधारे, वर्मा जी और भालेकर साहब, जियो साहब और अपने आशापुर स्टाफ।